हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका टाइम जो होता है वो कीमती है, और इस वीडियो को देखकर आपके टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में। काफ़ी लोगों ने सीजर गियर को हवा बना रखा है, इसकी टाइमिंग को हवा बना रखा है, बहुत बड़े लेवल पर हवा बना रखा है, दिमाग में बहुत विचार बना रखे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं बहुत, ये तीसरी वीडियो होगी मेरी कम से कम सीजर गियर पर। काफ़ी सारी कमेंट आती है मेरे पास, सीजर गियर के बारे में बताओ, सीजर गियर के बारे में बताओ। तो इस वीडियो के अंदर ऐसे सिंपल स्टेप मैं इसको समझाऊंगा आपको, मैं कि आपको ये बहुत ही सिंपल स्टेप तरीके समझाऊंगा। और दूसरी बात तो ये है कि इसके बारे में ऐसा आपको तरीका तकनीक बताऊंगा कि आप इसको ना हवा नहीं समझोगे, बोलेगा अरे ये, अरे इसका तो बहुत आसान ही बात है। ठीक है, देख लो, ध्यान से देख लो, ये सीधे गेर है, ये पुराना सीधे गेर है, सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरी वीडियो देखना, वीडियो के एंड में छोटी सी चीज़ बताऊंगा आपको मैं, उसको समझना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, और चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना क्या है, कैसा है वीडियो को बताना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये सीधे गेर है, देखो, पल्सर UG4, UG5, UG3, DTSI और ऑर्नरी, इन सब में भी सीजर गियर लगता है। पल्सर गाड़ी में लगता है, उसके अलावा और किसी गाड़ी में लगता नहीं, जहाँ तक मेरा आइडिया है। ठीक है, बजाज की पल्सर में लगता है, बजाज पल्सर DTSI डिजिटल 2 स्पार्क इन 1, बजाज पल्सर 150, 180, 200, 220। ठीक है, सब में ये सीजर गियर सेम होता है, इसका कोई बदलाव नहीं होता। अगर आपके पास पल्सर गाड़ी 150 भी है तो उसमें आप 220 का सीजर गियर लगाओगे सेम होता है, 150 का लगाओगे सेम होता है, मतलब किसी भी पल्सर की सीरीज़ का लगाओगे 135 को छोड़कर सेम होता है। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग की, अगर आपको इसकी टाइमिंग मिलानी है तो आप कैसे मिलाओगे टाइमिंग, बहुत ही सिंपल स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तुमको समझते हैं इसको क्या है ये। देखो ऐसा होता है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, जब गाड़ी नई होती है, नई गाड़ी होती है, तो इसका सीजर गियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा, इसकी देखो इसके अंदर होता है स्प्रिंग होती है, इसके अंदर स्प्रिंग होती है और एक इसमें स्प्रिंग होती है। ठीक है, वो स्प्रिंग जब गाड़ी चलती है रोड पर तो धीरे 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 करके लूज़ हो जाती है, लूज़ होते जाती है। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होता है, मान लो आपने गाड़ी नई खोली, किसी की नई गाड़ी खोली, उसका सीजर के निकाला बाहर, उसकी टाइमिंग आपको मिलानी है, तो क्या होगा, ये जो आपके दांते देख रहे हो, इसके देख रहे हो, ये हल्के से आउट है, देख रहे हो हल्के से आउट है, ये ऐसे हल्के से आउट है। अब ये हल्के से आउट है, इसका मतलब ये स्प्रिंग इसकी हल्की सी लूज़ हो गई है। ठीक है, ये लूज़ हो गई, अगर ये बिल्कुल ऐसा करेक्ट होता तो इसका मतलब ये होता है कि स्प्रिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, बट ये हल्का सा ऐसे करके जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको टाइमिंग मिलाते हैं। अभी क्या हो रहा है, इसकी जो स्प्रिंग देख रहे हो आप, ये स्प्रिंग ऐसे ही मानी जाएगी इसकी। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं ले सकते, अगर हम इसको ऐसे छोड़ रहे हैं और इसके बाद ये एकदम ऐसे करके आ रही है तो फिर गड़बड़ है। अभी ये आ रही है इधर की तरफ, देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो अभी क्या करना है हमें, इसको क्या होता है, एक साइड का हिस्सा है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, ये है हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे को करना है। देखो ये मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो सीजर गियर है इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से करते हैं। अगर आप स्प्रिंग को इस तरीके से ऐसे खींचोगे तो ऐंठ होगे, नहीं हो पाएगी सेट, तो क्या होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे काम करें, मतलब घड़ी की सुई जिधर घूमती है एक साइड उधर घूमेगी, और जिधर घड़ी की सुई नहीं घूमती एक की करा रही उधर घूमेगी। ठीक है भाई, तो हम बात करते हैं स्प्रिंग की। ये इसको सबसे पहले तो हम लेंगे इसका कूलर, ये सीजर गियर कूलर है जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका हिस्सा ये वाला इसमें फंसाएंगे। ठीक है, फंसा दिया हमने इसको, अब हम क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट, देखो ये हमारा बिल्कुल सेंटर मारा है। ठीक है, यहाँ से खींच नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये एक पॉइंट हो गया और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, अब हमने इसको अंदर कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमने दो पे सेट करी है। अब ये दो पे क्यों सेट हुई है मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं ढाई पे भी सेट करते हैं, ढाई पर सेट, दो पर सेट, तीन पर सेट, ये सब क्या है, क्या लगा रखा है ढाई दो, ये सब तरीका आपको बिल्कुल मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, बिल्कुल बारीकी से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, समझ में नहीं आएगा कुछ भी बोलना। ठीक है, अब ये दूसरी करारी की बात आ गई, अब हमें क्या करना है, इसको इस साइड घुमाना है, इस साइड हमने करारी इस साइड घुमाई, इसको इस साइड घुमाना है। ठीक है, अब हम कूलर को क्या करेंगे, कूलर को थोड़ा और अंदर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा और अंदर ले जाएंगे कूलर को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, हमारी करारी घूम रही है, कूलर को हमने इतना ले लिया है। अब ये कूलर देखो, गौर से देखो आप इसको, ये देखो हमने करारी छोड़ दी है और इसका जो गरारी है वो आधे पे आ रही है, देख रहे हो, ये देखो ये आधे पे आ रही है, देख रहे हो, ये मैंने यहाँ पे आनी चाहिए और ये आ रही है यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर ये ढाई हो गया, मतलब ये आधा हो गया। अब आधा का मतलब यहाँ किया हमने, आधा हो गया, अब यहाँ पे हम इसको करेंगे एक और ये दो, तो ये हमने इसको अंदर कर लिया। ठीक है, अब इसकी ये वाली गरारी जो है ढाई पर आई है और ये वाली आई है दो पर। अब मैं इसका तरीका समझा रहा हूँ, इसमें होता क्या है। ठीक है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, पहले
मैंने बाहर निकाल दिया है। देखो ये वाली ढाई पर आई, ये वाली दो पर आई, इसकी स्प्रिंग थोड़ी कम लूज थी इसलिए दो पे आई, इसकी स्प्रिंग थोड़ी ज़्यादा लूज थी इसलिए ढाई पर आई है। देखो मेन लॉजिक क्या है, मेन लॉजिक है इसकी गराडी को इस तरीके से आपको गाड़ी में सेट करना है ताकि ये ज़्यादा लूज भी ना रहे और ज़्यादा टाइट भी ना रहे। अगर ज़्यादा टाइट रहेगी तो गाड़ी में आएगी आवाज़ साए साए साए, जब आप रेस दोगे साए साए आवाज़ आएगी, साए जब रेस दोगे ना साए साए ऐसे करके आवाज़ आएगी, ठीक है। और अगर ये लूज रह जाएगी तो गाड़ी जब आप रेस दोगे ना गड़गड़ गड़गड़ ऐसा लगेगा वाइब्रेट कर रही है आपकी कोई चीज़, जैसे होता ना जैसे ऐसे इस तरीके की मतलब कुछ आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई मतलब कोई चीज़ आपने टेबल पर रख दी और ऐसे करके ऐसे कर रहे हो तो आवाज़ आती है, वो आपकी आवाज़ आएगी इसमें अगर ये गरारी लूज रहेगी तो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसमें। अब आप इस गरारी को ढाई पे भी रख सकते हो, दो पे भी रख सकते हो, तीन पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, पर एक हद होती है किसी चीज़ की। देखो हमने गरारी चेक करी है, गरारी बहुत लूज हो गई है, ठीक है। ये गरारी यहाँ पे आधे पे जा रही है, आधे की जगह एक पे पूरी आ जा रही है, ऐसी बिना इसकी छोड़ी आ जा रही है, तो वो गरारी जो होती है वो सीजर गियर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको उस स्थिति में क्या करना है, उसको नया डाल देना है। अगर आप किसी अच्छे से सीजर गियर की स्प्रिंग निकाल के इसमें डालो तो भी कामयाब हो सकता है। अगर गाड़ी के यहाँ दांतों में निशान आ जाएंगे तो आपकी गाड़ी गरारी कामयाब नहीं हो पाएगी, आपको नया डालना पड़ेगा। बट आपको क्या करना है, इसके गरारी को ये अगर पोजीशन, देखो हमने इसको छोड़ा और ये बिल्कुल बराबर आ गई ऐसे करके, जैसे ये भी है, ये देखो बराबर नहीं है, देख रहे हो हल्का सा फर्क पड़ रहा है, देख रहे हो ये ऐसे हो रही है। अब यहाँ पर आएगी तो हमने इसको ऐसे किया, ये आधी हो गई और उसके बाद ये पूरी एक हो गई। मतलब आधी का मतलब क्या होता है, जहाँ हम गरारी को छोड़ रहे हैं वो गरारी रुक रही है और वो गरारी जो है यहाँ रुक रही है, ऐसे करके रुक रही है, ऐसे करके ऐसे रुक रही है, तो इसका मतलब वो आधी गिनी जाएगी। आधी का मतलब हमने इसको लिया, ये हो गई आधी और ये हो गई एक और ये हो गई पूरी दो, ठीक है। इस तरीके से होगा, ये होती है सीजर गियर की टाइमिंग, इसी तरीके से सीजर को मिलाना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर इस गाड़ी की सीजर गियर की गरारी ज़्यादा टाइट हो जाएगी, ज़्यादा ऐड दोगे उसे तो साए साए आवाज़ करेगी, अगर ज़्यादा लूज कर दोगे तो गड़गड़ आवाज़ आएगी। तो आपको इस तरीके से रखनी है, जब आप इसको ऐंट में दो तो ऐंठने के बाद भी हल्की सी इसमें ऐसे करके प्ले होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल ही नहीं पूरी जान लगा के आप ऐंठ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, ज़्यादा टाइट हो जाएगी और बिल्कुल ही लूज मत रहना, जैसे कि इस तरीके से लूज ना रहे, ठीक है। दोनों तरफ आपको देखना है। अब एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो और इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो किसी भी मोटरसाइकिल के अंदर। अगर बजाज पल्सर आपने खोली है और आप सोच रहे हो कि यार ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं, तो भाई इसको जैसे मर्जी लगा दो, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे भी लगा सकते हो। मैंने काफ़ी YouTube पे वीडियो देखी है, भाई यहाँ से छोटा होता है, यहाँ से हिस्सा बड़ा होता है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ ईमानदारी से, इसमें कोई ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, दोनों बराबर होते हैं, मोटाई में भी लंबाई में भी पतलाई में भी, ठीक है। दोनों तरफ एक एक वार्सल लगती है, ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है भाई। अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है सीजर गियर, कस्टमर मना कर रहा है कि यार पैसे नहीं है बाद में अगर डलवा दूंगा ये वो, तो उसको निकाल के पलट के लगा दो, उससे क्या होता है आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है। अगर पलट के लगा दोगे तो आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एक साइड से वो घिस चुका है तो पलट के लगाने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्लियर हो गई, ये सीजर गियर कूलर हमारा, जिस पर नहीं है मंगवा सकता है जिसको देख कर, ये जितनी भी पल्सर गाड़ियाँ समय लग जाता है, ठीक है भाई। ये टैकोमीटर देखो हमारा, ठीक है, ये हम जो चेन होती है हमारी वो काटने वाला कूलर है, ठीक है भाई, ठीक। और ये दिखाऊं मैं आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, ये वो है जिससे इंजन साउंड चेक करते हैं, इन सब पे भी वीडियो बनाऊंगा, इन पर थोड़ा टाइम दो। बस एक छोटी सी बात करना चाह रहा था, काफ़ी सारे लोग हैं जो ये जो बुक मैंने दिखाई थी आपको, इस टाइप की जो बुक थी, ये जो इस टाइप की बुक थी, तो भाई ये बुक जो है काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार कैसे मिलेगी। तो भाई दोस्तों मैं बता देता हूँ, मेरी बुक वाली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसका वीडियो होगा, लिंक होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, देखो यार आज की डेट में किताब लेके कौन घूमता है, अपने हाथ में किताब लेके घूमोगे आप, आपके कुछ समझ में नहीं आएगी, परेशान हो जाओगे। मैंने सिस्टम बनाया था भाई, आपको मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप के अंदर ही पीडीएफ फाइल दूंगा, उससे आप क्या होगा अपने मोबाइल को जब भी आपने खोला, हाँ भाई बुक खोल ली, बुक आप देख लोगे समझ लोगे, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको, और टोटल जो बुक है वो 30 बुक है, 30, 30, 0, जिसको 15 बुक मैंने दी हैं वो मेरे से 15 और ले सकता है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके, मैं उसका कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री है सब कुछ। आप उससे अगर जिसने 15 बुक ली है वो, देखो यार मैं भी आपके सामने, मैं भी इंसान हूँ, मैं रात दिन अपनी आंखें काली करता हूँ, रातें काली करता हूँ, उसके बाद जाके आपको कुछ सिखा पाता हूँ, समझा पाता हूँ। मेरे ये नहीं कि मेरे को ऊपर से भगवान आके दे रहा है, ये ले ले पकड़ और जाके दे दे, ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो यार कोई भी इंसान अगर आपको टाइम दे रहा है, आपको मेहनत कर रहा है, अगर उसने आपसे कुछ ले भी लिया, कुछ छोटी सी चीज़ ले भी ली, तो यार क्या बिगड़ गया, आपका क्या बिगड़ गया। और वैसे भी यार मैं आपसे जो भी चीज़ लेता हूँ आप ही के ऊपर खर्च कर देता हूँ, आपके अलावा मेरे को किसी चीज़ पर खर्च करने का मतलब नहीं था, मेरा कोई शौक नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है। देखो आप यूट्यूब के चक्कर में अपनी जिम में सब छोड़ दी, मैंने कहा यार नहीं यार स्किल्स देनी है, पढ़ाना है, लिखाना, सब कुछ कराना है,
दुनिया भर के लोगों ने मैकेनिकों की दुकान खोल रखी है, उनके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैंने तो ये चीज़ सोची यार, अगर आप लोगों को लगता है अभी भी बुरी है, गलत है, तो मुझे बता दो यार, मैं नहीं करूँगा, मना कर दूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब मैं तो क्या कर सकता हूँ उसके अलावा, मैं आप लोगों के लिए बढ़िया सोच रहा हूँ, आप भी मेरे को गलत बोलोगे, गलत सोचोगे तो कैसे होगा। मैं तो बस यही सोचता हूँ यार, नई नई जानकारी आपको देता रहूँ। हाँ, अगर मेरी जानकारी में कोई कमी है तो मुझे बताओ, मैं उसको सही करूँगा। बट मैं जो चीज़ आपको दे रहा हूँ, मैं उस चीज़ के ऊपर पहले 50 बार रिहर्सल कर लेता हूँ, 50 बार देख लेता हूँ, उसके बाद मुझे पता होता है कि हाँ ये चीज़ सही है, सही बात ही देता हूँ मैं। क्योंकि कोई भी इंसान समझदारी होगा जो अपना टाइम किसी अच्छी जगह देगा, अगर किसी गलत जगह टाइम दे रहा है ना, तो उसका मतलब वो गलत है। ठीक है, हर किसी का, इंसान का जो टाइम होता है वो एक बार ही मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। 25,550 दिन की ज़िंदगी है, 70 साल, 70 साल से ज़्यादा अगर जी रहे हो तो इसका मतलब समझो दवाई गोली खा के जी रहे हो, उससे पहले जी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मगर 70 साल एक लाइफ होती है, एवरेज होता है 25,550 दिन। पहले इंसान आराम से 36,500 दिन जी जाता था, यानी कि 100 साल, बट अब नहीं जीता कोई भी। 25,550 दिन की ज़िंदगी है, उसके अंदर जो चीज़ मिल रही है उसको ले लो। अगर थोड़ा बहुत हमें देना पड़ रहा है तो दे दो, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि वो थोड़ा बहुत देने से आपकी पूरी ज़िंदगी की उम्र की जो कमाई है वो चली नहीं जाएगी, आप भी समझदार हो। थोड़ा सा एक तिनका अगर किसी कबूतर को खिलाओगे ना आप, मैं कबूतर एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी कबूतर को खिलाओगे आप, तो ये नहीं कि आप गरीब हो जाओगे या आप भूखे मरोगे ज़िंदगी भर, वो कबूतर को खुशी मिलेगी, उस कबूतर को दाने खाने की खुशी मिलेगी और आपको भी एक पल के लिए खुशी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को देने से गरीब नहीं होता, अगर वो ज्ञान की चीज़ को ले रहा है तो। याद रखना ये बात, आपको मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ, जो चीज़ समझा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कोई आपको बताएगा। दुनिया भर के यूट्यूब पर, दुनिया भर की वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर, दुनिया भर की, पर जो एक्चुअल चीज़ देनी चाहिए वो तो बंदे बहुत मुश्किल से दे पाते हैं, और जो चीज़ एक्चुअल है वो बहुत मुश्किल से बता पाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी बहुत अच्छी अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज देते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी नॉलेज समझ में नहीं आती, ऊपर यहाँ से ऊपर से जाती है। मैं सोचता हूँ ये क्या था इस तरीके से। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वीडियो ये वाली आपको अच्छी लगी है तो मुझे बताना, मैं ऐसी वीडियो बहुत सारी लाता रहूँगा और आपको देता रहूँगा, और आप सीखते रहो उससे, समझते रहो। कोई दिक्कत आती कमेंट करो, कमेंट ऑप्शन दे रखा है, मैंने डिसेबल नहीं करा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताना, सर बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि आपका जो वो कमेंट जो आप करोगे ना, सिर्फ आपका 3 सेकंड लगेंगे, पर उसको जब मैं पढ़ूंगा ना तो मुझे 30 दिन से भी ज़्यादा खुशी होगी। 30 दिन तक मैं उसको याद रखूँगा, और ज़्यादा ही रखूँगा याद। और सबसे बड़ी बात, जब तक कमेंट को जब पढ़ूंगा मैं, जब जब मुझे खुशी होगी, सोचो आपके 3 सेकंड की कमेंट मुझे कितनी खुशी दे रही है। एक लाइक आपका कितना खुशी दे रहा है, एक सब्सक्राइब आपका कितना खुशी दे रहा है, मुझे मेरा हौसला बढ़ा रहा है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसकी जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। थम्स अप देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाना। कोई भी आपके बगल में दोस्त मिले, आपको फोन लेना, अलावा दिखाइए ये सब्सक्राइब कर दो, ये जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलता है फटाफट।